Good morning, everyone. Welcome all for this exciting session. कि आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपका पास आपने सुना होगा, बट आने वाला टाइम आपका बहुत ही सुनहरा होने वाला है, क्योंकि कीवा काइपो इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, लाखों लोगों के सपने पूरे किए हैं और लाखों लोगों की हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के साथ उनकी उम्मीदें और उनके सपनों को साकार किया। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं कुछ आज बताना चाहूंगा आप सबको अपने बारे, कंपनी के बारे। हम बात करेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये कंपनी कीवा इंडस्ट्री से पहले स्टार्ट की थी एक प्रोडक्ट से, ओनली वन प्रोडक्ट 2010। कंपनी में सिर्फ चार लोग थे मेरे साथ, कोई नहीं, चार लोग मतलब चार इंप्लॉइज, नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटर, नॉट लीडर, चार सिर्फ इंप्लॉइज, एक अकाउंटेंट, एक बिलिंग का पर्सन, एक सर्विस और एक क्लर्क। इन चार के साथ मैं अकेला निकल पड़ा कीवा इंडस्ट्रीज का एक सपना लेकर कि हिंदुस्तान में एक ऐसी कंपनी बनानी है जो आम लोगों के लिए हो, एक ऐसी कंपनी बनानी है जो घर घर कीवा का प्रोडक्ट पहुंचा सके, एक ऐसी कंपनी बनानी है जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हो। बट दिमाग में एक चीज थी ऑनेस्टी, दिमाग में एक चीज थी कमिटमेंट कि जो भी कहेंगे सच कहेंगे और सच का साकार करके हर डिस्ट्रीब्यूटर का सपना पूरा करेंगे, क्योंकि हमें था बिलीव कि हिंदुस्तान में जो लोग कहते हैं गरीबी, इस गरीबी का नाम खत्म कर देंगे, क्योंकि आज हिंदुस्तान में लाखों लोगों जो जिंदगी बदली गई, कीवा का एक सपना था कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हर घर में पहुंचाने हैं। अब सोच के देखिए 2011-12 में एक प्रोडक्ट के साथ हमने स्टार्ट की थी सीटीएमडी, एक प्रोडक्ट सीटीएमडी के साथ, सिर्फ उसका डेमो, उसका प्रोडक्ट ट्रेनिंग, उसका इंफॉर्मेशन, यही दे दे के हमने लोग जोड़े, डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े कीवा के साथ, लीडर्स जुड़े। उसके बाद हम लेकर आए चार प्रोडक्ट्स, फिर 10 प्रोडक्ट्स, और मैं खुद 4 साल में एनालाइज किया कि हिंदुस्तान में ऐसी क्या चीज है जो बॉटम लेवल रिटेलर को भी प्रॉफिट हो, डिस्ट्रीब्यूटर को भी हो, लीडर को भी हो। तो 2015-16 में कीवा इंडस्ट्रीज ने पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी हिंदुस्तान में जो बाय वन गेट वन लेकर आई। उस बाय वन गेट वन के कारण बहुत से लीडर्स के साथ लीडर्स जुड़े, बहुत से लीडर्स के साथ नेटवर्क बढ़ा, और उसके बाद हम एक के बाद एक एफएमसीजी प्रोडक्ट, होम केयर प्रोडक्ट, टॉनिक्स, ड्रॉप्स, पाउडर, पर्सनल केयर, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, होम केयर, एग्रो प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स ऐड करते चले गए। बट ड्यूरिंग दिस टाइम कंपनी ने अपने एथिक्स को और बढ़ाया, मॉरल वैल्यूज को बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड किया, बिल्डिंग्स बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर जगह ली, क्योंकि आप सबको प्रोडक्ट दे सके। आज कीवा का सिस्टम इन 10-12 सालों में सिर्फ यही नहीं, आज कीवा के प्रोडक्ट्स को WHO, आयुष डिपार्टमेंट, FSSAI डिपार्टमेंट सब इंडोर्स करते हैं। कीवा के प्रोडक्ट्स की रिसर्च इतनी स्ट्रांग है, आप किसी भी डिपार्टमेंट से रिसर्च करा सकते हो किस प्रोडक्ट की बैकग्राउंड क्या है। कंपनी ने 15 करोड़ की जो लायबिलिटी इंश्योरेंस दी है, जब से हमने बाय वन गेट वन शुरू किया तब से हम 15 करोड़ की लायबिलिटी इंश्योरेंस दे रहे हैं, क्योंकि आपका फ्यूचर सेव रहे, आपका फ्यूचर सेव रहे, आपके सपने पूरे हों। अब सोच के देखिए 2015-16 के बाद 2017 में जब GST आया, उस टाइम पे कंपनी ने ऑफर दिए, कंपनी ने स्कीम्स दी कि आपके पेआउट बढ़े। 17 के बाद 2019 में के अंदर ऑफर दिए, लोग थाईलैंड गए, फॉरेन गए। 2020 में जब कोविड आया, आप सोच के देखिए जब पूरा इंडिया बंद था तो किसको फिक्र थी? मुझे फिक्र थी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की, मुझे फिक्र थी कि हर डिस्ट्रीब्यूटर के घर में प्योर पहुंचना चाहिए। मुझे अब तक याद है जून 2020 में जब मुझे कोविड हुआ था तब मैं ऑफिस था, लोग भले ही घर पे आराम कर रहे, मैं डेली 3-4 घंटे के ऑफिस आता था, कि मुझे बस था कि लोगों का पे आउट, लोगों का प्रोडक्ट डिले नहीं होना चाहिए। कीवा मेरा परिवार है, कीवा मेरा जुनून है, कीवा मेरी लाइफ है, और इस कीवा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और इस कीवा के लिए साथ जुड़ने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ऐसे ऐसे ऑफर, ऐसी स्कीम्स मैंने दी हैं कि आज जो लोग साइकिल पे थे उन्होंने बाइक, गाड़ी, घर बना लिए, ऐसे हजारों लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया, और आने वाले टाइम पे हजारों नहीं लाखों लोग करोड़ों रुपया कमाएंगे। तो आप करोड़ों रुपया कमाने तैयार हो? तैयार हो मेरे दोस्तों के? तैयार हो तो यस लिख के चैट बॉक्स में रिप्लाई करो।
यस सर। यही नहीं, आज कंपनी ने एमसीए के अंदर भी अपने को रजिस्टर किया। कंपनी हिंदुस्तान के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, सेल टैक्स, टीडीएस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का टीडीएस पे करके ऑनलाइन चेक कर सकता है डिस्ट्रीब्यूटर। हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने जीएसटी बिल को ऑनलाइन चेक कर सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे लॉज, भले ही वो आयुर्वेद के लॉ है, फूड डिपार्टमेंट के लॉ है, डेट सेलिंग के लॉ है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लॉ है, ये सारे लॉ अबाइडिंग कंपनी है। अब सोच के देखिए, पिछले 12 सालों में सैकड़ों कंपनी आई, बट कितनी कंपनी ने 7 साल में मेंटेन की अपनी सेल्स 100 करोड़ से ज्यादा। हिंदुस्तान की पहली 10 कंपनियां ऐसी हैं जो पिछले 7 साल से लगातार 100, 125, 150 करोड़ के आंकड़े को मैच कर रही है। और कीवा कैपो इंडस्ट्रीज, कीवा इंडस्ट्रीज उसमें से एक कंपनी है। सिर्फ बोलने से सेल नहीं होती, उसके पीछे बहुत बड़ी मैनेजमेंट, बहुत बड़ी टीम और बहुत बड़ा एफर्ट, बहुत बड़ा हार्डवर्क लगता है, बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि वो 10 कंपनीज को मेंटेन करना पड़ता। हमको भी लीगल सिस्टम भले की बात करें, जीएसटी की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो हमारा डिपार्टमेंट है, वो मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है। प्रोडक्ट, टैक्सेस, आपकी डिलीवरी, आपकी सर्विसेज, हर चीज पास्ट के अंदर। सिर्फ यही नहीं, हमने कोविड के टाइम पे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, कोविड के बाद 21-22 में प्रोडक्ट्स लॉन्च किए कि आपके लिए आसान हो प्रोडक्ट बेचना। टाइम टू टाइम डिस्ट्रीब्यूटर की नीड समझकर हमने हर बार कुछ ना कुछ ऐसी सर्विसेज, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी ऑफर दी है जिससे हमारे लीडर्स का प्योर बढ़े, लोग आपके साथ जुड़े और लोग जुड़कर अच्छा जीवन जिए, अच्छी सेहत पाएं और सबसे जरूरी आर्थिक आजादी पाएं। आप सोच के देखो कि जब आप लोग इस सिस्टम में आए थे उस दिन कहां पर थे, उस दिन आपकी जेब में क्या था। अपने आप से पूछो, आज उस टाइम आपके जेब में क्या पैसा था, आपके पास कौन सा फोन था, आपके पास कौन सी गाड़ी थी, आपका क्या लाइफस्टाइल था। आज उससे आप बेटर फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कोई स्काई इज द लिमिट, आसमान के ऊपर देख के चलो तो बहुत आगे निकल सकते हैं। बट सोच के देखो कि कहां से हम चले थे और कहां पहुंच गए। कहते हैं ना, किसी के घर को देख के अपने घर में आग नहीं लगाते। हम ये नहीं कह रहे कि हम नंबर वन आज है, बट नंबर वन बनकर रहेंगे। कोई कीवा ने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड कर दिया है इस 12 सालों में कि आज अगर हमें एक महीने में, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक महीने में अगर 200-250 करोड़ का भी माल देना पड़े तो हम दे सकते हैं। इन 12 सालों में इतनी हमने मीटिंग, सेमिनार्स, बड़े बड़े ग्रैंड सेमिनार, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट बहुत किए, बट अभी आप सोच के देखो, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। आने वाले टाइम में, आने वाले 2 साल में कंपनी इतने सेमिनार्स करेगी जिससे आप सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए किसी को बताना ना पड़े कीवा कौन है। अगर आप कीवा बताएंगे तो लोग बोलेंगे कीवा का नाम सुना हुआ है। ये आपसे मेरा प्रॉमिस है कि कीवा कैपो इंडस्ट्रीज मेरा जुनून है, मेरी जिंदगी है। इसके लिए मैं इतना कुछ, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। मैं थोड़े से प्रॉफिट में भी काम करने वाला इंसान हूं, लॉस में तो कोई भी नहीं करेगा। मैं थोड़े से प्रॉफिट में काम करने के, हमें काम करने का शौक है, लोगों की जिंदगी बदलने का शौक है, लोगों को गरीब नहीं, लोगों को गरीबी से आर्थिक आजादी दिला के अमीर बनाने का शौक है। आज ऊपर वाले ने मुझे तो इस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले ही बहुत कुछ दिया था, बट मुझमें था एक पैशन कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डेट सेलिंग कंपनी कीवा कैपिटल बन के दिखाएगी। जैसे आपको पास्ट के बारे में कुछ बताया, प्रेजेंट में आज कंपनी ने इस मंथ में कैसे कैसे ऑफर दिए। हर फेस्टिवल टाइम पे आपको देखो, कभी दिवाली, कभी होली के टाइम पे आपको ऑफर मिलते हैं। और कीवा कैपो इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जो आपको सिर्फ फेस्टिवल के टाइम पे नहीं, हर महीने कुछ ना कुछ एक्साइटिंग ऑफर आते हैं। वो ऑफर से पैसा लगता है, उस ऑफर से फंड लगता है, इसलिए दिए जाते हैं कि आप लोगों का चेक बने, आप लोगों का नेटवर्क बने, आप लोगों का प्योर बढ़े, आप लोगों का जल्दी अचीवमेंट पूरा हो। प्रेजेंस में यही नहीं, आपने देखा होगा कि फूड प्रोसेस लेकर आ रहे हैं, बट उससे पहले सबसे जरूरी है प्रेजेंट टाइम में, ये जो 6 महीने हैं विंटर टाइम, इस प्रेजेंट टाइम में हर किसी को
अपनी टीम में मीटिंग बढ़ानी पड़ेगी। जब तक हम कंज्यूमर नहीं बढ़ाएंगे हमारा काम कैसे बढ़ेगा। आज प्रेजेंट टाइम में कीवा के सिस्टम में अब बात करो प्लान प्रोफाइल प्रोडक्ट का कोई कंपैरिजन नहीं। अफोर्डेबिलिटी प्रोडक्ट्स, हर तरह की रेंज का प्रोडक्ट, भले 60 रुपए का कहो, 200 रुपए का कहो, 1200 का बोलो, 3000 का, 4000 का, 6000 का, किसी भी तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है। बट आप हमको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, हमें अपनी रीच बढ़ानी पड़ेगी, हर किसी को कमिटमेंट करनी पड़ेगी आज यहां से कि आज मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूं आप सबके लिए, मैं इतना पैसा लगा रहा हूं आप सबके लिए, आप लोगों की मुझे कमिटमेंट चाहिए, आप लोगों की कमिटमेंट चाहिए कि आप अपनी टीम से मीटिंग बढ़ाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा बीओपी, होम मीटिंग सबसे जरूरी, सबसे सिंपल और सबसे चीपेस्ट। हर किसी को अपनी टीम में होम मीटिंग बढ़ानी पड़ेगी। और होम मीटिंग के अंदर सबसे इजी थिंग है डेमोस, कि वह डेमोस करके दिखाओ, होम मीटिंग बढ़ाओ, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टॉक की, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी सप्लाई की, आपके साथ लोग जुड़ेंगे। बड़ा पहले काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जो लोग काम करेंगे उनके उनको सक्सेस मिलेगी, उनको तरक्की मिलेगी, उनको पैसा आएगा, उनको आर्थिक आजादी आएगी, काम करना पड़ेगा। किंतु परंतु उंगली सब बंद कर दो, सोचना छोड़ दो कि भाई सोचो सिर्फ टारगेट के पीछे, मेरा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं प्रॉमिस करता हूं आपके साथ हूं, बट बीच में ये मत पूछो ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, ये क्या है वो क्या है, क्योंकि कीवा काइपो इंडस्ट्रीज में आज तक जो भी जुड़ा उसने सिर्फ कमाया ही है, लाखों करोड़ों कमाया ही है। 1% हिंदुस्तान में जो जिसने कमाया ना हो कीवा से जुड़कर, तो सोचो अगर आपके साथ लाखों लोग जुड़ गए तो आप तो लाखों नहीं करोड़ों कमाई लेंगे। और अपने नेटवर्क को बढ़ाओ, अपने टीम के लिए मेहनत करो, और क्योंकि ये सब सपने आपके हैं, सोचिए अपने परिवार के लिए काम कर रहे हो। आज हम काम कर रहे हो तो हम चाहते हैं हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमारा फैमिली अच्छी हो, तो सोचो जो भी आपके सपने नहीं है, आपके नहीं आपके परिवार के हैं, और आपके परिवार के सपने मेरे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, जीन जा से खड़े हैं। दुनिया की कोई भी आंधी आ जाए, कोई भी तूफान आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो कोविड आ जाए, वो जीएसटी के टाइम पे कभी तूफान आया, कभी सुनामी आई, कीवा का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बहुत इसके एथिक्स स्ट्रांग है, वैल्यू स्ट्रांग है, लॉ सिस्टम स्ट्रांग है, रिसर्च स्ट्रांग है, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बट अगर कोई चैलेंज है तो हमारे पास इतनी बड़ी रिसर्च एंड लीगल टीम है, इतनी बड़ी टैक्स टीम है, इतने बड़े कंसल्टेंट्स है, इतने बड़े सीए है, सब इन हाउस है। तो बताना चाहता हूं आपको प्रेजेंट सिस्टम के में क्या हो रहा है, कि आपको सिर्फ फोकस रखना है अपने लक्ष्य की तरफ, अपने टारगेट की तरफ। आप क्या अचीव करना चाहते हैं, डायरेक्टर, चेयरमैन, ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड या डिप्टी, या आप चाहते हैं गाड़ी लेना, घर लेना, फॉरेन जाना, ये सब मिलेगा। बाकी सब काम हम पे छोड़ दो, बाकी सब काम कंपनी में छोड़ दो। कंपनी सिर्फ सैकड़ों या 2, 4, 5 को अमीर बनाने के लिए नहीं बैठी, कंपनी सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों को करोड़पति बना के रहेगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये आपका वादा है। तो आपका वादा है मेरे से, कमिटमेंट पूरी करेंगे तो यस लिख के चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। यस सर, मुझे हर पर्सन का यस चैट बॉक्स में चाहिए, तो मेरा प्रॉमिस आपसे। तो कुछ बात करें फ्यूचर की, 2025 2025 फाइनेंशियल ईयर में कीवा का टर्नओवर 2000 करोड़ होगा। आप सोच के देखिए तब आपका पे आउट और चेक कहां पहुंचेगा। 2025 में जब 2000 करोड़ का सेल होगा हिंदुस्तान में, कीवा के सेमिनार, बड़े बड़े ग्रैंड सेमिनार हर स्टेट में अवेलेबल होंगे, क्योंकि कीवा तब तक आपके घर के ऑर्गेनिक फूड, एफएमसीजी प्रोडक्ट, हर तरह का करियाना अवेलेबल करा चुकी होगी, कि आप एक घर में ही 5-5 हजार का प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आज हम अगले एक महीने के अंदर ऑर्गेनिक मल्टीग्रेन आटा, ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल, ऑर्गेनिक काउ घी, ये सब प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक राइस, ये सब हम लॉन्च करने जा रहे हैं। क्यों? इसमें बहुत बड़ा फंड लगता है, बहुत बड़ा पैसा लगता है, जगह लगती है, पर हम चाहते हैं कि आपके लिए आसान हो जाए हिंदुस्तान के हर घर में जाना, आपके लिए आसान हो जाए हर घर में मीटिंग करना। फ्यूचर में सिर्फ यही नहीं, फ्यूचर में स्पेशली इंडियन ड्रग सेलिंग सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट ने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लॉ निकाला कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट बेस्ट हो दैट्स टोटली लीगल।
उसके लिए हर स्टेट का एक अलग लॉ गवर्नमेंट डिजाइन कर रही है, और कीवा काइपो इंडस्ट्रीज आपको कमिटमेंट देती है कि कीवा काइपो इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान के हर स्टेट से अप्रूवल लेकर उसको भी वेबसाइट पे डालेगी, और आपके लिए भी बताना आसान होगा कि ये कीवा काइपो इंडस्ट्रीज एक ऐसी पहली कंपनी है जिसने हिंदुस्तान में हर स्टेट से अप्रूवल लिया। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, तो आपका भी प्रॉमिस है, मेरे से काम करके दिखाएंगे। चैट बॉक्स में लिखिए आई प्रॉमिस। फ्यूचर में सिर्फ यही नहीं, फ्यूचर में हमारी मीटिंग सेमिनार के साथ ट्रेनर्स, आपको हर स्टेट में कीवा के ट्रेनर्स मिलेंगे जिसके कंपनी सैलरी पे होंगे, कंपनी से डायरेक्ट सैलरी होगी। आपको सिर्फ मीटिंग अरेंज करनी है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है। हिंदुस्तान में 19,000 पिन कोड है, अगर आपको 19,000 पिन कोड पे सर्विस चाहिए, कंपनी के ट्रेनर चाहिए, तो हम अवेलेबल हैं। आपको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा, बट काम करना पड़ेगा। कीवा काइपो इंडस्ट्रीज की जो बुनियाद इतनी स्ट्रांग है कि हम हर चीज वो करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉ में लिखी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक्स में लिखी है, टाइम टू टाइम उसे अपग्रेड करते हैं, उसको भी हम रेगुलर चेक करते हैं। भले कोई प्रोडक्ट का लॉ है, भले कोई नेटवर्क मार्केटिंग का लॉ है, भले कोई सेल्स का, कोई टैक्सेस का लॉ है, तो फ्यूचर में हमें, हम एक बहुत बड़ा विजन लेके चल रहे हैं, 2000 करोड़ का टर्नओवर हिंदुस्तान में 2025 का होके रहेगा। और इसके लिए प्रोडक्ट्स आज सोच के देखिए, राइस ब्रैन ऑयल, अगर आप लोगों को 100 करोड़ का राइस ब्रैन ऑयल चाहिए महीने का, तो अवेलेबल है। इंडियन दो या तीन कंपनी ऐसी हैं जिनका सबसे बड़ा टर्नओवर है, वो भी किस प्रोडक्ट का है, राइस ब्रैन ऑयल। तो हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं महीने का अगर आप 1 करोड़ पीस बेचते हो मिलकर, तो 200 करोड़ का टर्नओवर बनता है। तो कीवा काइपो इंडस्ट्रीज 1 करोड़ पीस कीवा राइस ब्रैन ऑयल दे सकती है। कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर, इसको डोंट थिंक एज अ सप्लीमेंट, थिंक एज अ हेल्थ फूड, एक मील रिप्लेसमेंट। इस प्रोडक्ट का एक कंपनी बाहर की, फॉरेन की, अमेरिका की, आज 3, 4 या 5 हजार करोड़ का टर्नओवर कर रही है। इस प्रोडक्ट मैंगो पाउडर एंड कुल्फी फ्लेवर, थिंक अबाउट, हम ये नहीं कह रहे पतले होने के लिए, सिर्फ वेट को मैनेज करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, इसको डेली पियो। आपको इसका भी अगर 1 लाख पीस चाहिए महीने का मिलेगा। मिनरल्स, मिनरल्स को आज हिंदुस्तान में 12 सालों में लाखों नहीं करोड़ों लोग, हमने बोतलें बेची, करोड़ों बोटल्स, सीटीएमडी, केएमडी, एक मिनरल ऐसी चीज है जो हर पर्सन में डेफिशिएंसी है, हर पर्सन में कमी है। किसी को भी पिला दो, किसी को भी पिलाओ, डेमो करो और टेस्ट कराओ। जो मैंने बताया आपको मील रिप्लेसमेंट पाउडर और ये मिनरल सीटीएमडी या केएमडी, इसको जरूर पिलाओ, हर पर्सन को पिलाओ। पिला के सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना, फील द डिफरेंस कि पी के कैसा लगा। आप अगर लाखों लोगों को पिलाते चले गए तो हजारों लोग जुड़ जाएंगे, और लाखों लोगों को पिलाते चले गए तो जब तक देखेंगे 6 महीने के अंदर आपका नेटवर्क, आपके साथ लोग, आपके स्टॉक पॉइंट, आपके सुपर, ये सब बढ़ते जाएंगे। अगर कोई सोच रहा है कि आज फेस्टिवल के टाइम पे कंपनी कोई ऑफर देने वाली है, तो कंपनी ने पहले ही बहुत ऑफर दे दिए, ऐसा सपना मत सोचो, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत ऑफर दे चुकी है, बट काम करना पड़ेगा। कंपनी बहुत बड़ी तैयारी करके बैठी है, बहुत बड़ी तैयारी है कि हिंदुस्तान में कोई भी प्लान, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोफाइल सिस्टम आ जाए, हर किसी को कंपटीशन देने के लिए हम तैयार है, कोई भी कंपनी, बिकॉज हमें नंबर वन बनने से कोई नहीं रो सकता। तो अगर आप तैयार हो तो चैट बॉक्स में लिख के भरो नंबर वन कीवा। मुझे चैट बॉक्स में हर डिस्ट्रीब्यूटर का रिप्लाई चाहिए, नंबर 1 कीवा। इतने कहने चाहूंगा आप सबसे, कौन क्या बोलता है, क्या सोचता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, हम किसी को प्लान दिखाते हैं, सबसे पहले वो पूछता है कि अच्छा ये तो वही एमएलएम वाला है, पर लोगों का काम बोलना है। आज जो लोग बोलते हैं वो कुछ कर नहीं पाए, बट ये सिस्टम को फॉलो करो, इस सिस्टम को फॉलो करते चले जाओगे तो आपके सपने पूरे होंगे, आपको आर्थिक आजादी मिलेगी। कंपनी की तरफ से सर्विस सिस्टम में कुछ भी आपको लगता है एडवाइस, सजेशन, तो टिकट सिस्टम को फॉलो करो, प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा, बड़ा अपने लक्ष्य को टारगेट लेके चलो।
अब सोचिए अगर मेरे जैसा आदमी सिर्फ एक प्रोडक्ट और सिर्फ ऑफिस में चार इंप्लॉइज के साथ इतना बड़ा सपना देके इतना बड़ा एक कंपनी खड़ी कर सकते, तो आपके साथ तो कितना कुछ है। मैं आपके साथ हूं, इंप्लॉयज आपके साथ है, ट्रेनर आपके साथ है, तो आपको डरने की क्या जरूरत। आज कंपनी का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है, इन 12 सालों में कंपनी ने इतने लोगों को आर्थिक दिलाई, हजारों गाड़ियां दिलाई, हजारों लोग फॉरेन गए, कितने प्रोडक्ट्स आए और कितने प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, कितने ग्रैंड सेमिनार होने वाले हैं। इतना कुछ होने के बाद आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिक्र करने का काम मेरा है, आपको सिर्फ काम करने की जरूरत है, फोकस रखने की जरूरत है, टारगेट पे फोकस रखने की जरूरत है, एक बड़ा सपना सोचने की जरूरत है। क्योंकि लाइफ में कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब तक हम बड़ा सोचेंगे नहीं तो हम बड़ा नहीं बन सकते, जब तक हम बड़ा सोचेंगे नहीं तो हम बड़ा कर नहीं सकते। तो बड़ा सोचो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, एक बहुत बड़ा सोचने की हिम्मत तो करो, एक बहुत बड़ा ड्रीम रखने की, सपना सोचने की हिम्मत तो करो कि मैंने हिम्मत की है 2000 करोड़ 2025 तक मैं करके दिखाऊंगा, इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। और जितने लोग इस फोकस को लेकर चलेंगे, मैं चैलेंज कर रहा हूं, उनके पास करोड़ों का घर होगा, करोड़ों की गाड़ियां होंगी, और उनके बैलेंस बड़े होंगे, और उनके बच्चे फॉरन पढ़ेंगे, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, और उनका सोसाइटी में नाम होगा कि लोग बोलेंगे कि इन्होंने कुछ सोसाइटी से, लोगों से कुछ डिफरेंट किया है। तो जाते ही कहना चाहूंगा, भगवान आपके साथ है, ऑनेस्टी से काम करो, अच्छा कर्म करो, अच्छा करो अपनी डाउनलाइन के साथ, जो भी कमिटमेंट करो उसे पूरी करो। क्योंकि जब जो आदमी ऑनेस्ट होता है, हार्डवर्कर होता है और अपनी कमिटमेंट को पूरा करता है, तो ये दुनिया और ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है। नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद, जय जय कीवा, घर घर कीवा, हर हर कीवा। नमस्कार।